I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. सब्जी सब्जी अरे नहीं 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 रहने दो सब्जी एक फोटो रहने दो अरे क्या भाई साहब पर्चे पर लिख देने से शादी होती है क्या होती होती है पंडित जी अब होने लग गई है 200 अरे नहीं होटल नहीं 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 बधाई हो बधाई हो अरे भाई बैंड बजवाना है क्या आप बजवाना कितना लोगे 100 रुपए लगेंगे अरे तो बजाओ अरे बजाओ 1 2 3 हेलो ब्रदर हेलो हेलो सिस्टर शादी आपकी आज हाँ अरे मुबारक हो वो देख रहे हो ना वहाँ पे वो शादी मैंने करवाई है अच्छा एक गवाह का काम करता हूँ मैं आपके पास गवाह तो है ना नहीं आपको रजिस्टर करने के लिए 4 गवाह की जरूरत पड़ेगी 2 लड़के की तरफ से 2 लड़की की तरफ से अगर जरूरत हो तो फिर एक साइन मैं कर दूंगा जिसके 200 रुपये लगेंगे स्टैंडर्ड रेट है आप किसी से भी पूछ लीजिए अंदर जो बॉस है ना उनसे कहिए अंकुश रामदेव आपका काम यूं हो जाएगा हाथ रखिए हाँ अभी कैमरे में देखिए हाँ दैट्स गुड नाउ स्माइल ब्रॉडर ब्रॉडर इनकी शादी करा दो ना प्रॉब्लम क्या है किसी ने ऑब्जेक्शन उठाई है ये शादी नहीं हो सकती साहब जी आप चाहें तो सब ठीक कर सकते हैं ना देखिए ना अपने बच्चे बेचारे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कुछ कर दीजिए ना
मैंने कहा था ना कि मैं 2 महीने में शादी कर रही हूँ, क्या तुझे बिलीव नहीं हो रहा है? नहीं, मैं अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बोल रही हूँ। थैंक यू। गोवा 2 हफ्तों के लिए। नहीं, बबलू को तो 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, लेकिन मैं यहाँ पे फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। इतना सोचने की क्या बात है, अंदर पूरा सेटिंग है अपना भाई, देखना आप। हो तो जाएगा ना। ओ तिवारी जी, हाँ। एक फॉर्म चाहिए था मैरिज का। मिल जाएगा। मुबारक हो आपको भी भाभी जी। मेरे 200 रुपए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे बधाई हो भाभी जी, जोड़ा कितना बढ़िया लग रहा है, शादी के मौके में बैंड नहीं बजवाएंगे आप? एक मिनट भाई साहब, स्माइल प्लीज। ओए छोटू, क्या एक चाय ले? ले, ये चाय भैया को दे दे। थैंक यू यार। ओए छोटू, ये रख। अंकुश। हाँ जी, मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो सिस्टर, शादी आपकी आज, मुबारक हो। गवाह तो होंगे ना आपके पास? देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपको 4 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लड़के की तरफ से और 2 लड़की की तरफ से। अब ज़रूरत हो तो फिर एक साइन मैं कर दूंगा जिसके 200 रुपये लगेंगे, ये स्टैंडर्ड रेट है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। वो आए नहीं अभी तक, अटक गए होंगे कहीं पर, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। वो चाय की दुकान है ना, मैं वहीं पे होऊंगा, आप मुझे ही बुलाना, ठीक है? थैंक यू। देखिए ये एफिडेविट अगली सुनवाई के लिए संभाल के रखिएगा। धीरज रंसारिया, मेघा जोशी जी। चलिए। वो अभी तक आए नहीं हैं। 11 बजे का टाइम था ना आपका। मनीष भट्ट, इंद्राणी सिंह। अभी तक नहीं आया? नंबर तो दे रखा है लेकिन लड़के की खबर नहीं। प्लीज भाई साहब, थोड़ी देर और। अरे दिन भर में नहीं आया, वो आप क्या आएगा? वो आएगा। किशोर, ये साइन करा दे यार। नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया है। किशोर जी, समय की समाप्ति में अभी भी वक्त है। अरे सिस्टर, आप अभी तक यहाँ पे आए नहीं? वो
आ जाएगा, फिक्र मत करिए। लेकिन जब शादी होगी तो गवाह के लिए मुझे ही बुलाना। हाँ रात हो गई है, घर जा। तो अभी तक यहां पे आया नहीं वो? देख मुझे लगता है मामला सीरियस है, तू घर चली जा। मैं नैनीताल से आई हूं। नैनीताल? और वो लड़का? वो भी। अच्छा सुन, अभी भी वक्त है, तू ट्रेन पकड़ के निकल जा। घर पर चिट्ठी छोड़ आई हूं। चिट्ठी? ओ, फिल्मों वाली चिट्ठी। एक काम कर, तू उसको फोन कर लेना। तो फिर से मोबाइल ट्राई कर रही हूं, लग नहीं रहा है। और जब घर पे फोन करती हूं तो कोई और उठा लेता है। तुम्हारी आवाज पहचान लेते हैं ना। क्या अंकुश? हाँ। सब ठीक है? हाँ ठीक है। खाना खाया? खाया यार, खाया। लगता है जल्दी नहीं आएगा वो। आ रहा हूँ यार। क्या आप मेरे लिए फोन करेंगे? मैं? प्लीज। अच्छा चल ठीक है, बोल दूंगा उसका दोस्त हूँ। क्या नाम है उसका? धीरज। धीरज। और तुम्हारा? मेघा। मेघा। चल। हेलो। हाँ जी नमस्ते, क्या मैं धीरज से बात कर सकता हूँ? अंकुश उसका दोस्त दिल्ली से। लखनऊ? किस काम से? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? बताता हूँ। सब ठीक ठाक है यार? हिसाब में लिखते ना। हाँ, पैसे का जाने वाले हैं। चल मैडम का काम हो जाए बस, तो समझ मेरा काम भी हो गया यार। कैसा है ये आदमी, तुझे यकीन है कि वो तुझसे प्यार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है आम चूस के गुठली फेंकने वाला? हाँ देख, लड़की को तो वो देखने गया लखनऊ शादी के लिए। वो ऐसा नहीं करेगा, वो आएगा। अच्छा ठीक है। तेरा कोई रिश्तेदार है शहर में? पैसे हैं तेरे पास? नहीं। फिर कहाँ रहेगी तू? हाँ मेरी मदद करेंगे प्लीज? अच्छा सोचने दे एक मिनट।
ओ सही सेटिंग हो गई यार। सुल्फो एक काम करियो, बोल यार। रज्जो को मेरा थैंक यू बोल दियो। बोल दूंगा। और तू भी यार थैंक यू। कर देना गैरो वाली बात। ओ यार तेरी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, अपने दोस्त को थैंक यू बोलता है। अरे यार। और नहीं यार, अपने यार को थैंक यू बोलता है, ये सब कुछ नहीं है। अरे तू इशारा तो कर, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। और दिल खोल के बोल, दिल खोल के तेरे लिए तो मैं जान भी लुटा दूंगा। जी करे तू मेरा। अच्छा जान मेरी, थोड़ा आराम से, तेरे घर के नीचे खड़े हैं हम। निकल यहाँ से कमीनी, तुम बखत ले आते हैं। तू निकल यहाँ से, मेरे घर को समझ के रखा है तूने? क्या कर रही है? अम्मी अम्मी क्या लगा रखा है? आराम से खा ले। तू पैदाइशी कुत्ता तो तू था ही, अब धंधा भी शुरू कर दिया तूने, हैं? छोरियों को भगा के लेके आता और मेरे घर में आके दर देता है? कमबख्त, मेरे घर को समझ क्या रखा है तूने? अपनी रंगरेलियों का कोठा समझ रखा है? हला तमाशा ना कर। और तू लगाओ तुझे मैं उल्टे हाथ की, मना किया था ना, मन ना किया था ना मैंने इससे मिलने से? नहीं अम्मी, नहीं, धमकी दे दिया था शाम से मुझे, अगर मैंने इसकी लड़की को घर पे नहीं रखा तो मुझे मारेगा। और चमार दिखा अम्मी मुझे, चमार चमार दिखा थी साले। हां चमार, जुल्फी साले पलटी मत कर। हां ओए चुप कर कमीने। अरे क्या हो रहा है? अरे कोई पुलिस को बुलाओ, ये अंकुश धंधा कर रहा है, मेरे बेटे को भी धमका रहा है ये। साली मोटी मुंह बंद कर सांड, मैं चुप्पू तो सर पे चढ़ जा रही हूँ। हाँ एक शब्द भी और निकला ना तो माँ कसम ऐसा हनेट कर झापड़ मारूंगा तेरी सूरत बंद हो जाएगी। और तू जिगरी अपने माँ का गली में मिल जाइयो, बस दिख जाइयो एक बार। रजो सूटकेस दे चल, बदन तो है ही भैंस का, सारा दिमाग भी भैंस का है। पहले जेंटलमैन की तरह बात किया था है कि नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरे ही कंधे पे बैठकर मेरे कान में मुंह देगी। अरे अरे क्या कर रही है? अरे 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 पकड़ इसको, छोड़ना मत। इसको मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही है? अरे इसकी जैसी लड़की कभी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? अंधी मोटी अपनी आंखों के इलाज करवा लियो। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।